नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ दुर्गेश। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। चमोली में मौसम का मिजाज बदला है, रात भर से बारिश हो रही है। बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी लगातार जारी है। मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है, ठंड में बढ़ोतरी हुई है। जैसा कि मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी कि आने वाले दो दिनों में कोल्ड डे कंडीशन की स्थिति रहेगी, खून जमाने वाली ठंड रहेगी। और इसी को देखते हुए चमोली से बड़ी खबर आपको बता दें, मौसम का मिजाज बदला है। यहाँ पर रात भर से बारिश हो रही है। चमोली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रात भर से यहाँ बारिश हो रही है। बारिश चलते तापमान में भारी गिरावट आई है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का कहर देखने को मिल रहा है। पहाड़ी इलाकों में जहां बारिश बर्फबारी हो रही है, वहीं मैदानी इलाकों में भी जमकर बारिश हो रही है। रात भर से ये बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने जैसा कि चेतावनी दी थी कि आने वाले दिनों में खून जमाने वाली ठंड पड़ेगी, तापमान में भारी गिरावट आएगी और ठंड में बढ़ोतरी होगी। और हमारे से होगी पुष्कर सिंह नेगी, चमोली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुष्कर, मौसम विभाग ने चेतावनी जैसा कि दी थी, रात भर से बारिश हो रही है, फिलहाल क्या कुछ मौसम है वहां का? देखिए दुर्गेश, मैं आपको जानकारी दे दूं कि जिस तरह से मौसम विभाग ने 11 तारीख का 14 तारीख का जो अलर्ट यहाँ पे किया हुआ था, तो जनपद चमोली की नहीं, पूरे प्रदेश में इस समय हल्की बारिश हो रही है। जनपद चमोली की अगर मैं बात करूँ तो रात से यहाँ पे बारिश हो रही है। अभी का मौसम जो है, जरा बारिश थमी हुई है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से मौसम बदल रहा है, बारिश हो रही है, मौसम विभाग अलर्ट कर रहा है, तो जिस समय इस समय में जनपद चमोली की बात करूँ तो शीतलहर, इस समय जो ठंडी हवाएं जो है जनपद चमोली में इस समय चल रही है। और आप देख रहे होंगे किस तरह से जो हमारी ऊंची पहाड़ियां हैं, यहाँ पे हल्की हल्की जो बर्फबारी भी आपको दिख रही होगी, तो कहीं ना कहीं जो मौसम जो बदल रहा है, कड़ाके की सर्दी का जो आगाज जो है नवंबर से ही हो गया था, तो दिसंबर का महीना है, तो इस समय जो है जनपद चमोली का मौसम तो बदला हुआ है। बारिश हो रही है ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, जिस तरह से बारिश हुई और बर्फबारी भी हो रही है। बद्रीनाथ केदारनाथ और आपका गंगोत्री की जो ऊंची चोटियां हैं, हेमकुंड साहिब की जो ऊंची चोटियां हैं, पूरे प्रदेश में इस समय मौसम बदला हुआ है। तो कहीं ना कहीं मौसम जिस तरह से बदल रहा है, तो इस बार जो है कड़ाके की सर्दी पड़ने वाली है। दुर्गेश, हम ये भी देख रहे हैं पुष्कर की सब घरों में ही कैद हैं, क्या कुछ प्रशासन कर रहा है? स्कूलों में छुट्टियां की गई हैं कि बच्चे अभी भी स्कूल जा रहे हैं? जी देखिए दुर्गेश, आज में अगर मैं जनपद चमोली की बात करूं तो यहां पे आज 12 तारीख को अंतिया माता का जो मेला होता है, स्कूलों की सबकी छुट्टियां हैं। और प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो जिला अधिकारी हो चाहे आपका जो शिक्षा अधिकारी होते हैं, इन्होंने अपने संज्ञान से या इसको कह सकते अवकाश कहीं कहीं घोषित है, लेकिन कहीं कहीं जो दूरस्थ इलाके हमारे हैं, चाहे पिथौरागढ़ हो गया, उत्तरकाशी हो गया, या चमोली में तो छुट्टी है ही, रुद्रप्रयाग हो गया, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से यहाँ पे बारिश मौसम में जो अलर्ट किया है, तो हमारे जनपद चमोली की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आज की छुट्टियाँ जो है जिला अधिकारी महोदय द्वारा जो है यहाँ पे दी गई है, क्योंकि इस पर बारिश अलर्ट था ही, लेकिन आज की जो छुट्टियाँ जो है, जो अंत्या माता का मंदिर है, यहाँ पे पूजा अर्चना जो मेला लगता है, भव्य मेला लगता है, तो इसकी छुट्टियाँ आ गए, तो कहीं ना कहीं जो हमारे जनपद की अगर मैं बात करूँ, चमोली की बात करूँ, तो बच्चों को यहाँ पे आज ठंड से राहत जरूर मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए पुष्कर। तो बता दें आपको, मौसम का मिजाज बदला है और बर्फबारी और बारिश लगातार हो रही है रात भर से।